नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, और वो इसलिए क्योंकि संजय राउत की जब से गिरफ्तारियां हुई हैं और उसके घर से जो नोटों का बंडल मिला है, दरअसल उन पे एकनाथ शिंदे का नाम जो है लिखा हुआ है और उसको लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। इसी तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे कि आखिर अब एकनाथ शिंदे के लिए क्या मुसीबतें बन सकता है। इस वक्त प्रांसी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रांसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तरफ पिछले 4 सालों में अगर देखिए तो सबसे ज़्यादा सुपर एक्टिव, मैं जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ईडी पूरी तरह से सुपर एक्टिव हो गई है, विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर जो है उन पर कार्रवाई कर रही है और गिरफ्तारियां की जा रही है। आज भी नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल के जो है उस पर ऑफिस पर जो है छापेमारी की गई है। कैसे देख रही है पहले उनकी गिरफ्तारी को और एक तरफ जो उनके नोटों के बंडल पर एकनाथ शिंदे का जो नाम मिला है उसको कैसे समझा जाए? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी। जैसा कि आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो सियासत है वो एक नया मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे जो हैं, जो एकनाथ शिंदे पर निशाना साध रहे हैं, उन्होंने कह दिया है, जिस तरीके से संजय राउत ने कहा था कि वह झुकने वाले नहीं हैं, तो वहीं खुद उद्धव ठाकरे भी अब ये कह चुके हैं कि वह झुकेंगे नहीं और ना ही वह किसी की शरण में जाएंगे। मरने को तैयार हैं लेकिन वह ये सब कुछ नहीं करने वाले हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि संजय राउत पर उन्हें गर्व है और यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर निशाना भी साधा है। तो ऐसे में देखा जाए ईडी जिस तरीके से संजय राउत से पूछताछ कर रही है, जहां एक तरफ महाराष्ट्र की नई सरकार यहां पर उनके खिलाफ जो फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब यहां पर जो नोट मिले हैं और उस पर एकनाथ शिंदे का अगर नाम लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है यहां पर साजिश तो रचते हुए दिखाई दे रहे हैं उद्धव ठाकरे के गुट के भी। क्योंकि अगर यहां पर ईडी ने छापेमारी की है, ईडी यहां पर सवाल पूछती हुई नजर आ रही है, तो संजय राउत भी कुछ कम नहीं माने जा सकते हैं। क्योंकि दावा यह किया जा रहा है इस वक्त कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ वह मिलकर इस गठबंधन को तोड़ने में कामयाब हुए थे और संजय राउत ही वही ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बीजेपी से गठबंधन तक नहीं करने दिया था। तो ऐसे में देखा जाए साजिश ना सिर्फ बीजेपी और शिंदे की सरकार कर रही है बल्कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है कांग्रेस और यहाँ पर एनसीपी भी लगातार कई ऐसी प्लानिंग कर रही है। तो ऐसे में देखा जाए कम कोई भी नहीं है। अगर यहाँ पर एकनाथ शिंदे फंसते हुए नजर आएंगे तो फंसते हुए तो साफ तौर पर अब संजय राउत भी नजर। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल कहा कि सही कहा कि कोई किसी से कम तो नहीं है ना, लेकिन प्रांसी जी एक सवाल तो लाजमी है ना कि चलिए 11 लाख के आसपास उनके घर पे मिला बंडल, उन पे कार्रवाई हुई, चलिए वो गिरफ्तार भी हो गए और अब फिर से पूछताछ हो रही है, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू है, लेकिन एकनाथ शिंदे पे अब तो वो बीजेपी में आ गए ना, अब तो गठबंधन है, सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री है। क्या आपको लगता है कि ईडी से ये उम्मीद की जाए कि नोटों के बंडल पे जो उनका नाम मिला है क्या उसको लेकर वो पूछताछ करेंगे, क्या उस पे कार्रवाई करेंगे, क्या कोई उम्मीद है? देखिए जहां तक है अगर कार्रवाई की बात है तो कार्रवाई तो दोनों साइड की होनी चाहिए। अगर एकनाथ शिंदे का नोटों पर नाम लिखा हुआ है तो वाकई में बहुत ही बड़ी बात है और यहाँ पर जो खुलासा हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। आखिरकार उनका नाम क्यों लिखा हुआ है और आखिरकार ये पैसे कब से उनके पास रखे हुए थे उनके घर में, तो सवाल ऐसे कई हैं जो उठना लाजमी है। ऐसे में ईडी जो अपना काम कर रही है, हाल ही में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा कि यहाँ पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, ईडी जो कुछ करेगी, जो फैसले आएंगे वो वक्त के साथ साथ पता चलेंगे। तो ऐसे में देखा जाए वो यहाँ पर हर एक बयान से वो किनारा करते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो साजिश करते हुए नजर आते हैं, जो उनके फैसले होते हैं वो वक्त के साथ साथ पता चलते हैं, लेकिन बयान उनके साफ तौर पर नहीं होते क्योंकि वह ज्यादातर सवालों पर जवाब देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में देखा जाए अजीत पवार ने जो बात कही कि आखिरकार छापेमारी क्यों हो रही है बार बार, तो ऐसे में अजीत पवार ने जो बात उठाई है, साथ ही साथ सुप्रिया सुले भी बोली है कि संसद भवन तक वह पहुंचेंगी, तो इन बातों में देखा जाए कहीं ना कहीं साजिश तो किसी की छिपी हुई है। डंके की चोट पे यहाँ पर सभी कह रहे हैं कि वह अब आगे बढ़ेंगे, संसद भवन तक ये मामला पहुंचेगा। केंद्र सरकार जिस तरीके से यहाँ पर फैसले ले रही है एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर, क्योंकि बीजेपी की नेतृत्व में ये सारी चीजें हो रही है, तो ऐसे में केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए देखे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है आसिफ जी, यहाँ पर जो गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दिया एनसीपी के साथ, दो गुटों में शिवसेना बटी हुई है, तो अब शिवसेना को बचाने के लिए, चुनाव चिन्ह के लिए, बीएमसी के लिए कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल देखा जाए साफ नहीं है कि आखिरकार सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है, लेकिन जिस तरीके से जो है प्रांशु जी आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि आज आवाज को दबाया जा रहा है, जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ईडी की तरफ अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो फिर इसमें विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रहा है कि ईडी काम ना करे? जैसे देखिए ना, आपने ममता के मंत्री गिरफ्तार हुए, वहां से भी पैसा मिले संजय राउत पे, ईडी करे तो क्या करे? अगर काम करे तो इल्जाम ठोक दिया जाता, विपक्ष ठोक देता, ना करे तो फिर भाई सिस्टम करे तो क्या करे? क्या वाकई में उन पर सवाल खड़ा करना ठीक है क्या विपक्ष का? देखिए
ईडी की कार्रवाई है तो उस पर सवाल सवाल जिस तरीके से खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, जैसा कि आपने कहा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर विपक्ष पहले से ही गुस्से में है। उनको ये लगता है कि जो नई सरकार आई है उनके नेतृत्व में ये सब कुछ हो रहा है और नई सरकार जानबूझ के सब कुछ करा रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से बयान दिए बिना नाम लिए हुए, उन्होंने जब जनसभा को संबोधित किया हाल ही में एक कार्यक्रम में, तब कह दिया रोज सुबह 8 बजे बजने वाला जो लाउड स्पीकर था वह बंद हो चुका है, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने बात कही थी। तो ऐसे में देखा जाए, हाल ही में रामदास कदम ने जो खुलासा किया कि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए तैयार हुए, लेकिन उद्धव ठाकरे पहले से ही तैयार थे, लेकिन संजय राउत बीच में आ गए और संजय राउत की वजह से ही ये सब कुछ अधूरा रह गया। दूसरे ही एकनाथ शिंदे के गुट के जो विधायक हैं संजय सिरसाट ने, जिन्होंने ये बात कही है कि अब जो शरद पवार थे उनकी रणनीति थी, शरद पवार के लिए संजय राउत मोहरे रहे हैं, तो ऐसे में दोनों की रणनीति मिलकर बनी हुई थी। तो अब देखा जाए अब वो रणनीति काफी हद तक टूटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अकेले पड़ गए हैं और यहाँ पर पूरा पूरा हक एनसीपी जमाते हुए नजर आ सकती थी। तो ऐसे में ईडी पर सवाल उठाना लाजमी है विपक्ष का, क्योंकि यहाँ पर हर एक मुद्दे पर जब बात होती है तो विपक्ष अपने गुस्से को हर किसी पर जाहिर करते हुए देखा जाता है। ओके, अब सिर्फ दो सवाल है प्रांशु जी, छोटा छोटा ही, और वो ये है, क्या अब मान लिया जाए और ये समझ में आ गया शिवसेना को कि अब शिवसेना खत्म हो गई, क्योंकि जो उनके प्रमुख थे, जो बचाने वाले थे, जो उनकी जान शान थे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, इन पे तो अब ईडी का खेल शुरू हो चुका है। संजय राउत अब रहे नहीं कि जो बाहर आकर कुछ बोले, अब तो गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या शिवसेना अब बच पाएगी या एकनाथ शिंदे उस पर कब्जा कर लेंगे? देखिए, फिलहाल देखा जाए तो अब शिवसेना में कोई ऐसा यहाँ पर कोई शख्स नहीं दिखता है, कोई भी ऐसा नेता नहीं दिखता है जो एकनाथ शिंदे को टक्कर दे सके। जहाँ पर है उद्धव ठाकरे वो पहले से ही यहाँ पर हार मानते हुए दिखाई दे, भले ही यहाँ पर वह ऐसे शब्द कह रहे हो, ऐसे बोल बोल रहे हो कि वह झुकने नहीं वाले हैं, वफादार विधायक जितने भी हैं उनके पास वो सब ठीक है उनके लिए, चाहे 15 ही विधायक क्यों ना हो, लेकिन मजबूरी देखी जाए तो यहाँ पर वह एकनाथ शिंदे के सामने कैसे भी किसी भी हद तक झुकना नहीं चाहते, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि टक्कर उन्हें दे सके। दूसरी तरफ देखा जाए, आदित्य ठाकरे हैं, एक युवा नेता हैं और वह अभी इतना कुछ नहीं जानते हैं राजनीति, जितना एक्सपीरियंस है एकनाथ शिंदे को, देवेंद्र फडणवीस को, तो उनके सामने टिकने के लिए अभी फिलहाल तो कोई नहीं है। लेकिन अगर आसिफ जी आप कह रहे हैं कि वाकई में यहां पर शिवसेना का सूपड़ा साफ हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, योग्य अयोग्य विधायकों पर अभी फैसला आना बाकी है, और दूसरी ही तरफ चुनाव चिन्ह को लेकर भी काफी ज्यादा जंग छिड़ी हुई है, और ये कहा जा रहा है कि आखिरकार असली नकली शिवसेना दोनों में से कोई भी साबित कर लेगा। अगर एकनाथ शिंदे यहां पर साबित कर देंगे तो क्या बचेगा यहां पर शिवसेना, तो पूरी की पूरी शिवसेना यहां पर एकनाथ शिंदे की तरफ होती हुई नजर आ सकती है, लेकिन उद्धव ठाकरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहते। नोटों के बंडल में भले ही एकनाथ शिंदे का नाम हो, लेकिन अगर फील्ड में देखे, ग्राउंड पे देखे, तो एकनाथ शिंदे का ही कब्जा है। देखना होगा कि क्या ईडी इस मामले को लेकर क्या उनसे कुछ पूछताछ करेगी या फिर जांच का विषय भी बनेगा या नहीं। सरकार में है पावर में, जैसे चाहते हैं वैसे हो ही जाता है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशु जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN News।